आज पीएम मोदी ने तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। इस दौरान मोदी ने पिछली बार की तरह इस बार भी उसी शख्स को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया जो पिछली बार जल मंत्री थे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की। आखिरकार ये है कौन जिन पर मोदी लगातार भरोसा करते रहते हैं, आइए जानते हैं। कोई इन्हें राजस्थान का कोहिनूर कहता है तो कोई इन्हें गुदड़ी का लाल कहता है। लोगों के बीच गज्जू बन्ना के नाम से प्रसिद्ध शेखावत जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1967 को राजस्थान में सीकर जिले के मेहरौली गांव में हुआ था। पिता का नाम शंकर सिंह शेखावत और माता का नाम मोहन कंवर था। पिता शंकर सिंह शेखावत की सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफर होते रहते थे। इसका फायदा ये हुआ कि शेखावत को राजस्थान के अलग अलग इलाकों की संस्कृति और समस्याओं को समझने का बेहतर मौका मिला। 24 नवंबर 1993 को इनका विवाह नौनंद कंवर के साथ हुआ। इनके तीन बच्चे सुहासनी शेखावत, अर्जुन सिंह शेखावत और सुरंगमा शेखावत हैं। उनके साथ पढ़ने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो बचपन से ही खेल कूद में अव्वल रहते थे और वैचारिक तौर पर मैच्योर थे। कॉलेज समय से ही राजनीति में एक्टिव हो गए थे। दर्शन शास्त्र में JNVU जोधपुर से पढ़ाई करते समय वो ABVP से जुड़े रहे और छात्र संघ का चुनाव भी लड़े। 1992 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है। छात्र संघ अध्यक्ष बने तो राजनीति में तेजी तो आई, लेकिन उतनी ही तेजी से विरोधी धड़े एक्टिव भी हुए। परिणाम ये रहा कि अगले कुछ ही दिनों में शेखावत मुख्य धारा की राजनीति की बजाय स्वदेशी जागरण व सीमा जन कल्याण समिति से जुड़ गए। लंबे समय तक पाकिस्तान से लगते बॉर्डर एरिया में हिंदुओं और शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करते रहे। बॉर्डर इलाके में शेखावत ने करीब 40 स्कूल और 4 हॉस्टल खुलवाए ताकि शरणार्थी हिंदुओं को पढ़ाई मिले, साथ ही इस इलाके के लोग भी आगे बढ़ सके। समय के साथ राजनीति से जुड़े तो रहे, लेकिन लंबे समय तक उनकी मुख्य धारा की राजनीति में वापसी नहीं हुई। इसी बीच समय 2014 का आता है। लोकसभा चुनाव, मोदी लहर, पार्टी की जोधपुर से ऐसे प्रत्याशी की तलाश थी जो विचारधारा की जड़ों से जुड़ा हो, युवा चेहरा हो और पढ़ा लिखा शख्स भी हो। इसी तलाश के बीच पार्टी की नज़र गजेंद्र सिंह शेखावत पर पड़ी। टिकट देकर मैदान में उतारा तो कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी को 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया। अब बारी संसद में खुद को साबित करने की थी। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में 100 से कम घरों वाले इलाकों में मुफ्त बिजली पहुंचाने का पीएम मोदी का आइडिया भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही दिया था। शेखावत की प्रोग्रेसिव सोच से पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए। परिणाम ये रहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव आए। इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवान आ रहे लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे, ये सनातन को मिटाने के लिए चले। इधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे। गहलोत भली भांति जानते थे कि शेखावत आने वाले समय में राजस्थान की सियासत का बड़ा चेहरा बन सकते हैं, लिहाजा उनको हराने के लिए अपने बेटे वैभव गहलोत को वो मैदान में उतार दिए। लेकिन परिणाम आए तो विजय ताज शेखावत के सिर ही सजा, गहलोत का वैभव परास्त हुआ। इधर देश में भी बीजेपी सत्ता में आई। कैबिनेट का ऐलान हुआ तो राजस्थान की ओर से सबसे बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत था, जिनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और मोदी के विजन प्लान हर घर नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी शेखावत को ही दी गई। और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से इन्हें जोधपुर से अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार इनके सामने कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के करीबी करण सिंह उचियारना थे, लेकिन फिर से जोधपुर में शेखावत कमल खिलाने में सफल हो गए। करीब 1,55,677 वोटों से जीतकर ये तीसरी बार सांसद बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मोदी कौन सा मंत्रालय शेखावत को देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।